तो चलिए बच्चों, आज हम आपका कंप्यूटर का पहला चैप्टर कंप्यूटर लैंग्वेजेस स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारी बोलने की भाषाएं होती हैं, पढ़ने की भाषाएं होती हैं, इसी तरह बोलने की बोलियां होती हैं, भाषाएं होती हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर की भी लैंग्वेजेस होती हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। एक्चुअली कंप्यूटर लैंग्वेज कुछ क्या है, एक जो कंप्यूटर समझ लें वो कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर समझता है वो कंप्यूटर लैंग्वेज है। जैसे आपने लास्ट क्लासेस में शायद पढ़ा हो, याद हो थोड़ा बहुत भी, कि बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसमें वन और ज़ीरो का यूज़ होता है, वो लैंग्वेज है। यानी जो कंप्यूटर समझता है उसे हम, जिस भाषा को कंप्यूटर समझता है उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। पहले थोड़ी सी मैं रीडिंग कर देती हूँ, जिससे बुक ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वीडियो को पॉज करें, बुक लें और थोड़ा सा बुक के साथ साथ भी चलें। We all know that language is a medium to express our views and ideas. It is essential for all those who have an understanding capacities. Computer can also understand the things, so it also requires languages through which one can interact with it. Computer language is nothing but a language which a computer can understand. और कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, हिंदी में बता देती हूँ पहले आपको, कि ये निर्देश हैं जो एक साथ लिंकअप किए हुए होते हैं, इंस्ट्रक्टेड होते हैं ट्रांसमिट करने के लिए, उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज द मीन्स बाय विच इंस्ट्रक्शन एंड डेटा आर ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर। इन अदर वर्ड्स, कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर द इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ ह्यूमन बींग। कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैव अ वोकैबुलरी ऑफ देयर ओन। अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस के साथ साथ इसके जो पार्ट्स आते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज को बनाने में या पढ़ने में, पहले बनाने की बात कर लेते हैं, तो उसमें तीन हिस्से आएंगे। एक होगा प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामर। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। प्रोग्राम वो है जो निर्देश होंगे वो कंप्यूटर को ये बताएगा कि उसे करना क्या है, उसे हम कहेंगे प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग क्या है कि हाउ टू डू, कैसे करना है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट प्रोग्रामर, जो व्यक्ति उसको कर रहा है उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। द पीपल हु डू दिस जॉब आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स। अब कैटेगरीज हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, उसे हम देखेंगे। चार कैटेगरी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन की। इस वीडियो में हम दो को कवर अप करेंगे, दो को हम अगली वीडियो में करेंगे। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है लैंग्वेज की, दैट इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। सेकंड, असेंबली लैंग्वेज। थर्ड, हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ इज़ मॉडर्न लैंग्वेज। जो आपकी पहली लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, उसके अंदर बाइनरी फॉर्म यूज़ होती थी, वन और ज़ीरो को यूज़ किया जाता था लैंग्वेज कोडिंग के लिए। और इसका जो एडवांटेज था वो ये था कि ये वेरी हाई स्पीड पर और लो मेमोरी यूटिलाइजेशन पर काम करती थी, लेकिन इस लैंग्वेज को समझना टफ था और ये पूरी मशीन डिपेंडेंट थी। इसके जो प्रोग्राम्स, मशीन लैंग्वेज के जो प्रोग्राम होते थे रिटेन, जो एक कंप्यूटर पर लिखे होते थे, उसको दूसरा कंप्यूटर कभी कभी नहीं समझ पाता था, यानी वो दूसरे कंप्यूटर पर रन नहीं कर पाते थे। सिर्फ इसी वजह से काफ़ी कम लोग इसको स्पेशलाइज्ड मशीन इन लैंग्वेज होते थे, इसी की वजह से इसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। LLL, LLL, लो लेवल लैंग्वेज, सॉरी लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को सिर्फ इसी के कारण ये भी कहा जाता है। दूसरी जनरेशन है इसकी, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ, बाइनरी फॉर्म की जगह कोड्स आ गए, सिंबल्स आ गए। थोड़ा रीड करते हैं बुक के साथ। इट इनेबल्स अ प्रोग्रामर टू यूज नेम्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स। दिस लैंग्वेज यूज निमोनिक कोड्स एंड सिंबल्स इन प्लेस ऑफ जीरो एंड वन। इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड, सिंबलिक मेमोरी एड्रेसेस आर यूज्ड फॉर डेटा। सिंस द कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज।
translator programmer known as assemblers were developed to convert the assembly language program into machine language. A program written in assembly language is called the source program, and the program converted into machine language by assembler is called object program or object code. होता क्या था कि पहले ये mnemonic codes और symbols में होता था, लिखी जाती थी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज जो थी, फिर कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता था अपने अंदर मशीन लैंग्वेज में और तब अंडरस्टैंड करके काम करता था. ये थी हमारी सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज. इसमें जो प्रोग्राम रिटेन होता था असेंबली लैंग्वेज में, उसे हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, और जो प्रोग्राम कन्वर्ट होकर मशीन लैंग्वेज में आता था उसे असेंबलर क्या कहता था, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड. यानी जहाँ से आ रहा है वो सोर्स, और जो मिल रहा है कन्वर्ट होने के बाद, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड. आज हम इन्हीं दो जनरेशन को करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम अगली जनरेशन लैंग्वेजेस के साथ मिलेंगे.